ఓకే మళ్ళీ మనం పేరు పెట్టాలి ఏ కట్టుబడి नाम बता मस्जिद जमा जी ग्राम इब्राहिम किस तरह का विवाद है? विवाद जमीन जी। तो क्या जमीन किसी और की है कि आपकी है? जमीन दो आदमी के नाम से है। इनका क्या क्या नाम है? मेरा नाम राम मस्जिद है, इनका नाम। जमीन का क्या नंबर है? 350। तो जमीन का जो जमीन में जो कह रहे कि पिलर ढाला गया है किस कैसा है? ठीक है बाबा, किस तरह का पिलर है? ठीक है मैम, बाबा साहब के लिए पिलर ढाला गया है। अच्छा, मूर्ति मूर्ति के लगाने के लिए। तो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है? इसका क्या नाम? किन्नर देव है। उसके बाप क्यों विरोध कर रहा है? अब विरोध ये कर रहा है कि जो है कि अरे दूलेसरी बताओ महाराज, दूलेसरी मैंने उसके अंदर दूलेसरी देवी के नाम से जमीन है। उसका लड़का जो है उसकी माँ बहुत दूर कर रही है, जाता है। उसका 327 नंबर है, 311 नंबर चक्रोट है, 350 हमारा है। तो चाहता है कि 327 भी हमारा ये है, उसी के आज में इस जमीन को भी हड़पना चाह रहा है। 327 नंबर मेरा ये है, बिना परमिशन के क्यों रोक रहे हैं? 327 नंबर ये है, 311 नंबर नगदे 10 लट्ठा का मिल जा रहा है, 2 लट्ठा का चक्रोट मिल जा रहा है, ये भी हमको फायदा हो जाएगा। और इसको भी मैं हड़प लूंगा तब मैं पूरा जमीन वाला हो जाऊंगा। क्या रोक रहा है? तो उसका कोई परमिशन है? उनके पास कोई सबूत है? पुख्ता पुख्ता रहता तो भगता क्यों? तो उनसे क्यों नहीं आप लोग सबूत मांगते हैं? किस बेस पर आप रोक रहे हैं जमीन? कई बार मांगे है सबूत, वह तो हम ही लोगों को इल्जाम लगाया है। ये जब दीवार हमारी चली तो जब दीवार को रात्रि में बदमाशों को बुलाकर और बदमाशों को 8 बजे बुलवा कर मेरे बेटा को मारे सब, इसका मतलब कि आपको जान माल का भी खतरा है? जान माल का भी खतरा है सर। यही नहीं, 3 तो वो मेरे लड़के को 30 टाका लगा है, पूरा गांव जानता है। मेरी बहू को मारे हैं सब, इसमें छोटा गिट को उसको यहाँ मैंने ये सर फट गया है। ये एकदम से इसको कब्जा करने के लिए जान को मारने तक उतारू है सब। इसका भू माफिया है? भू माफिया है, भू माफिया के संगे कुछ उसके गुंडे तत्व के लोग हैं। ये कि इतना सब होने के बाद भी हाँ प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की क्या रुपया के बल पर जो है वह जो है जिले पर हमारे लड़का का जो है जब क्या बोलते हैं पोस्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा था, वो पैसे के बल पर जो रिपोर्ट हमारा गलत बना दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट को गलत बना दिया। हाँ, यहाँ तक रुपया देकर जो है थाने में जो है वो थे राय साहब, उनका क्या जान क्या नाम था, सत्येंद्र राय ने रुपया लेकर वो जो है कि हमको भी जो है 151 में उनको भी चलान कर। यह कौन सी कानून है भाई? मतलब यहाँ पे यही चीज है कि प्रशासन की मिली भगत से उस समय तो मिली भगत से किया गया। उस समय मिली भगत से आपकी जमीन को जबरन हड़पा जा रहा था, कराया गया। हाँ, और आज की डेट में आज की डेट में जो है कुछ उनके पास ऐसे तो गुंडे हैं गुर्दे, कुछ उनके पास ऐसे लोग अधिकारी गण है जो मिलकर जो है इस जमीन को उनके तरफ हड़पना चाहते हैं, जो कि इसका हमारे बहू का सर फट गया है, मेरे लड़के का 30 टाका लगा है, यहाँ तक लेकिन मरा हुआ उस लड़के का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जी हम भाई जब बाबा साहब के नाम से हम जमीन लिए हैं दान, तो मैं बाबा साहब को दान मंदिर के नाम से जमीन दे देंगे दम से दे देंगे। आप लोग के द्वारा कई बार जमीन का नापी कराया गया? अरे भैया लेखपाल कानून को अगर के द्वारा जो रिपोर्ट लगाया गया वो यही नहीं है सर। यदि सही रिपोर्ट एक नक्षत्र नाम का गौतम दरोगा थे वो सही बोल दिए तो उनके ऊपर जो है कई धाराएं लग गई। इस समय जो है लेखपाल जो है सही नापी किया है तो उस पर जो है विलम्ब लगाया गया है, उसका यही काम है जो अधिकार पर विलम्ब लगाना सब कुछ करना। लेखपाल साहब का रिपोर्ट है? हाँ देखिए लेखपाल साहब का रिपोर्ट है। क्या लिखा है इसमें? मतलब लेखपाल साहब के रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कि यह जमीन आप लोगों की? हाँ लेखपाल साहब एकदम से कह दिया कि बनवाइए आप, उसके बावजूद भी रोकने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मतलब हमारा नाम बीरभूषण है। हाँ। और इसी गांव का निवासी हूँ। किस गांव का? इसी गांव का नाम इब्राहिम पट्टी। क्या किस तरह का विवाद? जो मतलब ये है कि यहाँ हम लोग किसी की मूर्ति अनावरण हेतु ये जमीन हम लोग लिए थे जी, और श्रीकांत सिंह के नाम एक सदस्य आई है उस बस्ती के, उन्हीं की ये जमीन थी।
350 अराजी उन्हीं में हम एक डिसमिल बैनामा लिए मूर्ति है। तो ये जो बैनामे की जमीन है आप किसकी मूर्ति लगाने के लिए आप दान कर रहे हैं? बाबा साहब मैंने दान के रूप में आप कर रहा है ना? दान नहीं, वो दान हम लोगों को दिए जी। मैंने आप आपके नाम से तो बैनामा है, फिर आप दान कर रहे हैं ना? मैंने दान से मिली जमीन फिर आप दान कर रहे हैं, यही कहने का मतलब आप। तो जो जमीन दान कर रहे हैं इसमें औरत करने का कौन काम कर रहा है? वो इंद्रदेव है, उनके पिताजी का नाम दुर्लभ दुर्बल है। अच्छा, उनका 327 नंबर है, वो जो बीच में चकमार्ग आता है, हमारे चक से सीधे सटे पश्चिम साइड में, अब उस चकमार्ग से पश्चिम उनकी 350 नंबर अराजी से 327। उनको दिक्कत क्या है इससे? दिक्कत यही है कि वो चक रोड को भी क्रॉस करना चाहते हैं, हमारी जमीन को भी हड़प के सीधा फ्रंट पे आना चाहते हैं। अच्छा, यानी PWD के मेन रोड पे आना चाहते हैं। तो इसमें तो नापी हो चुके हैं प्रशासन द्वारा? 4-5 मतवा नापी हुई है और पुलिस प्रशासन के देख रेख में नापी हुई है, निशानदेही भी इसका। क्या उस चीज़ को नहीं मानने के तैयार हैं? वो मौके पे आते भी नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो जाके धरना दे रहे हैं वहाँ कलेक्टर में। कलेक्टर में धरना दे रहे हैं तो धरना देने से नहीं ना होगा, जो जमीन चीज है, जमीन चीज तो आपको आप लोग को तो बताना होगा DM साहब के जाकर के ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो क्या आप लोग बात नहीं रखे हैं अपना? अभी नहीं, अभी तो ये काम हम लोग शुरू करवाए तो उसमें अड़चन आ गया, तो अब हम लोग जाएंगे DM साहब के पास। मैंने इसका मतलब घूम माफिया किस्म के देखते हैं, वैसा ही समझ लेते हैं जो लोगों को परेशान करने के लिए वो काम कर रहा है। आज से नहीं, 2019 से परेशान कर रहे हैं, 2019 से परेशान। ये जो निर्माण दिख रहा है पिलर, ये कैसा पिलर? ये हम लोगों का है, हम लोगों के जमीन का। मतलब किस तरह का निर्माण? ये मोती हेतु निर्माण किया गया। तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मतलब मुख्य मतलब मूर्ति का भी विरोध कर रहे हैं और आपकी जमीन जो आप अपने स्वेच्छा से ग्राम समाज को मूर्ति अनावरण के लिए लोगों के हित के लिए दान जो कर रहे हैं उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब मुख्य कारण है वो? हाँ, खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं, खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं। और सामने प्रशासन जब आ रही नापी जो कि कर रहे हैं तो मौके पे नहीं, ठीक मामला है प्रभु, ठीक।